आज हम जानेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है नतिकोण तथा दिक्पाल कोण। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नतिकोण की, क्या रहता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज घटक की दिशा के बीच बने कोण को नतिकोण कहते हैं और इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है वो, और आपका जो क्षैतिज घटक एच रहता है वो, यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आपके क्षैतिज घटक एच के मध्य बने कोण को हम क्या बोलते हैं, नतिकोण कहते हैं, और इसे किससे दिखाते हैं, थीटा से। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और हमारे क्षैतिज घटक के बीच बने कोण को नतिकोण कहते हैं और इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करेंगे दिक्पात कोण की। तो हमारे चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के मध्य बने न्यून कोण को हम आपका कहते हैं दिक्पात कोण। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, नतिकोण और दिक्पात कोण।